आज हम फिर से क्लास एट का चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हम पढ़ेंगे टू पॉइंट फोर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं और कैसे वो हमारे दोस्त की तरह होते हैं हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं तो ये सब हमने पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं होते हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं तो हमने यूजफुल के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि किस तरह से वो हमारे लिए अच्छे होते हैं लाभदायक होते हैं और अब हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं चलिए शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत तरह से हानिकारक होते हैं हार्मफुल मतलब हानिकारक सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मनुष्य में पौधों में और एनिमल्स में बीमारियों के कारण बनते हैं ये हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर बीमारी पैदा करते हैं सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आरकल्ड पैथोजेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं जो हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर बीमारियां फैलाते हैं पैथोजेंस का मतलब होता है रोग कारक रोगजनक जिनसे रोग होते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल फूड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खराब कर देते हैं और कपड़ों को भी खराब कर देते हैं या फिर चमड़ा जो होता है उसको भी खराब कर देते हैं अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़ अब और ज़्यादा पढ़ेंगे कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनसे मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं और कैसे फैलती हैं पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ जो रोगाणु होते हैं जिनसे रोग फैलते है, उनको है। हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं मतलब हवा से सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है तो जब हवा हमारे अंदर जाती है अगर उसमें पैथोजेंस हैं तो सांस के साथ वो हमारे अंदर घुस जाते हैं या अगर पानी में ये पैथोजेंस हैं रोगाणु हैं या रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अगर पानी के अंदर हैं और जब हम उसे पी लेते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है और गंदे खाने में अगर ये है खाना होता है वो कई बार हमें ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं वो पैथोजेंस होते हैं अगर हम उस गंदे खाने को खा लेते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है गंदा पानी पीने से होती है और गंदा खाना खाने से हमें बीमारियाँ हो जाती हैं तो ये तो हो गया कि पैथोजेंस हमारे अंदर कैसे जाते हैं एक तो एयर के साथ साथ और एक पानी के साथ और एक खाने के साथ ये होते हैं और हमारे अंदर घुस जाते हैं इनके अलावा अगर कोई आदमी बीमार होता है मतलब इन्फेक्टेड पर्सन होता है और वो अगर किसी दूसरे आदमी को टच कर दे तो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी बीमारी हो जाती है लेकिन ये सारी बीमारियाँ ऐसी नहीं होती कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो इन्फेक्ट पर्सन से जो सही आदमी होता है अन पर्सन होता है हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर फैल जाती हैं तो वो बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती हैं तो ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो होती हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल जाती हैं और एयर से भी फैल जाती हैं वाटर से भी फैल जाती हैं फूड से भी फैल जाती हैं माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टिड पर्सन टू आ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट डीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज इन बीमारियों को जो कि एयर से फैलती हैं पानी से फैलती हैं या खाने से फैलती हैं या डायरेक्ट टच करने से भी फैल जाती हैं तो इन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं अब ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं जैसे कोलेरा होती है जो है बीमारी होती है अगर किसी बीमार आदमी ने खाना खाया है जिसको कोलेरा होता है अगर उसका झूठा खाना अगर हेल्दी पर्सन खा लेता है तो उसके अंदर जो भी पैथजन्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं हेल्दी पर्सन में अगर चले जाते हैं तो उसको भी कोलेरा हो जाता है और कॉमन कोल्ड जो जुखाम होता है अगर कोई अनहेल्दी पर्सन छींकता है जिसको जुखाम होता है छींकता है तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और उसके सामने कोई हेल्दी पर्सन खड़ा है वो सांस लेता है तो हवा उसके अंदर चली जाती है और उसको भी जुखाम हो जाता है और एक यह है चिकन पॉक्स इसको छोटी माता भी बोलते हैं चिकन पॉक्स बच्चों को ज़्यादा होती है इसमें छोटे छोटे छाले से दाने दाने से बच्चे के शरीर पर उठ जाते हैं ये भी हवा से फैलते मतलब कोई बच्चा है जिसको चिकन पॉक्स है उसके टच में अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो उससे भी हो जाती हैं या टच करने से भी हो जाती हैं या फिर उसके आसपास अगर कोई बच्चा बैठता है तो चिकन पॉक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये एयर में फैलते हैं और एयर से दूसरे बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है इसी तरह से जो टी होती है टी भी अगर मान लो कोई खांसता है और दूसरा हेल्दी पर्सन उसके सामने खड़ा है तो उसको भी टीबी हो सकती है आ पर्सन सफरिंग फ्राम कॉमनकोल्स नीजिस फाइन ड्रोपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर जब किसी को जुकाम होता है और वो छींकता है तो उसके अंदर से छीक के साथ बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और उन बूंदों में बहुत सारे मतलब हजारों वायरस होते हैं जो कि एयर में फैल जाते हैं द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल्ड ब्रीथिंग एंड काज इन्फेक्शन और जब हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो ये वायरस उसके सांस के थ्रू उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में घुस जाते हैं और उनमें भी ये बीमारी हो जाती है कौन सी कोल्ड मतलब जुखाम हो जाता है तो इस तरह से जुखाम जो होता है कोल्ड जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है दैन हाओ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज अब इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है क्योंकि ये एक पर्सन से एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं तो इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है अब ये पहली जो है ये इसका जवाब दे देती है वी सुड कीप आंड करजीप ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग छींकते टाइम हमें अपने मुंह पर और नाक पर कोई भी रुमाल या कपड़ा ढक लेना चाहिए इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टिड पर्सनस और जिसे ज़ुकाम हो उससे दूर रहना चाहिए उसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए कहीं जो अनहेल्दी पर्सन है जो वो छींकता है तो कुछ दूरी तक ये वायरस जाते हैं अगर हम इससे दूर रहेंगे तो ये हमारे सांस के द्वारा यहाँ तक नहीं आ पाएंगे तो इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए और जब छींकते हैं तो हमें भी अपने नाक पर रुमाल रखना चाहिए या कपड़ा रखना चाहिए और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको भी अपने नाक और मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए या, या फिर रुमाल रखना चाहिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो इन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को अपने साथ कैरी करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो ये कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स इनके कैरियर्स होते हैं मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक इनको लेकर जाते हैं किनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं लेकर जाते हैं तो इनको बोलते हैं कैरियर्स तो ये कैरियर्स कौन होते हैं जैसे हाउस फ्लाई जो घरों घर में जो मक्खी होती है उड़ती रहती है वो एक सबसे बड़ी रोगवाहक होती है मतलब रोगों को फैलाने वाली होती है तो ये जो मक्खी होती है ये ये कूड़े पर बैठती है या गंदगी पर बैठती है या एनिमल एक्सक्रेटा बैठती मतलब जो मतलब के जो वेस्ट होते हैं उन पर बैठती हैं और पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज और जो रोगाणु होते हैं जिनसे रोग फैलते हैं वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं मक्खियों के पर वैन डीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजन्स जब ये फ्लाइज किसी ऐसे भोजन पर बैठ जाती हैं तो फिर ये फ्लाइज तो उड़ती रहती हैं इनके पैरों पर तो ये रोगाणु चिपक जाते हैं और ये उड़ती रहती हैं और कहीं जाकर जहाँ पर भी इसे खाने की चीज़ें दिखती हैं वहाँ पर बैठ जाती हैं और जो भोजन ढका हुआ नहीं होता है उस खाने पर ये बैठ जाती हैं और उस खाने को फिर जो भी खाता है उसके अंदर ये पैथजन्स चले जाते हैं क्योंकि मक्खी उन पर बैठती है तो ये जो पैथोजेंस रोगाणु जो है उस खाने पर चिपक जाते हैं और उस खाने को जो भी खाता है उसे फिर ये बीमारियाँ हो जाती हैं वो एवर इट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक जिससे फिर जो भी आदमी इस कंटेमिनेटेड फूड का मतलब जो दूषित खाना होता है जो खाना इन इनपैथजेंस के कारण ख़राब हो जाता है उस खाने को अगर खा लेता है तो वो फिर बीमार हो जाता है सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड तो इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा कर रखना चाहिए अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फ़ूड और बिना ढके खाने को या बिना ढकी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ फीमेल एनाफ्लिंज मॉस्किटो और एक और कैरियर है फीमेल एनाफ्लिंज मच्छर जो मादा एनाफ्लिंज मच्छर होता है वो भी बीमारियाँ फैलाता है विच द पैरासाइट ऑफ मलेरिया मतलब ये मलेरिया का प्लाज्मोडियम लेकर जाता है मलेरिया रोग जो होता है उसका जो पैरासाइट होता है मतलब तो मलेरिया को फैलाने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको ये लेकर जाता है फीमेल एडिज मच्छर जो होती है वो भी डेंगू का जो वायरस होता है मतलब तो उसका कैरियर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक डेंगू के वायरस को फैलाती है तो मलेरिया का वाहक कौन सा होता है फीमेल एनाफ्लिंज मॉस्किटो और डेंगू का कौन सा था एडिज एडिज मच्छर तो ये आपको याद रखने एडिज और मादा एनफ्लिंज मच्छर या फीमेल एनाफ्लिंज मॉस्किटो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू और तो मलेरिया और डेंगू को हम किस तरह से फैलने से बचा सकते हैं तो जी ये हमें पता लगे कि ये मच्छरों से फैलता है तो मच्छरों को ही मार दें पहले तो हमें स्प्रे वगैरह करनी चाहिए जिनसे मच्छर मर जाएं और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये पैदा ही ना हो तो मच्छर गंदगी में पैदा होते हैं और रुके हुए पानी में पैदा होते हैं ये ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर पानी में ये पैदा होते हैं हैंस वन शुड नोट लेट वाटर कलेक्ट एनी इसलिए कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए जैसे कई बार कूलर्स में पानी भरा रह जाता है या टायर्स में भरा रह जाता है जब बारिश होती है तो टायरों में पानी भर जाता है तो वो ही भरा पड़ा रहता है या जो गमले होते हैं उनमें भी पानी भर जाता है तो वो ऐसे ही भरा पड़ा रह जाता है इस तरह से हमें कूलर टायर और फूलदान गमले वमले इनमें पानी भरा हुआ नहीं रखना चाहिए इनको साथ साथ खाली कर देना चाहिए अब ये कहेंगे कूलर को साथ साथ कैसे खाली करना चाहिए कूलर में रोज़ साफ़ पानी भरना चाहिए पुराने पानी को फेंक देना चाहिए और दूसरे दिन नया पानी भरना चाहिए बाइक कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए मतलब मॉइस्चर नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर वो सूखा होना चाहिए वी कैन प्रीवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग और इससे हम मच्छरों को जनन करने से बचा सकते हैं मतलब मच्छरों उनको पैदा होने से बचा सकते हैं ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया तो आपको ऐसे जो ये अभी हमने उपाय बताए हैं जिनसे हम मच्छरों को पैदा होने से बचा सकते हैं इनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करनी है मतलब इनकी लिस्ट बनानी है और उन्हें आपको फॉलो भी करना है तो हमने ये क्या क्या बताया है पहले तो एक तो पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए और दूसरा है हमारे आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और सूखा सूखा रखना चाहिए मतलब नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर सीलन नहीं होनी चाहिए और एक और है जैसे हमें स्प्रे वगैरह कर देना चाहिए मतलब मच्छर मारने की दवाइयों को स्प्रे करना चाहिए तो इस तरह से हम मच्छर पैदा होने से बचा सकते हैं पहली बोलती है वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नोट टू लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन द नेबरहुड कि हमारे टीचर बोलते हैं कि अपने आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मच्छर जो होते हैं वो पानी में पैदा होते हैं और इसलिए पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए सम कॉमन हुमन डिजीज़ कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होती हैं जैसे टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है और हवा से फैलती है ये तो है डिजीज़ के नाम मतलब बीमारी का नाम है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम से ये फैलती हैं ये हैं और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती हैं तो ये कैसे फैलती हैं प्रीवेंटिव मेजर्स और इनसे कैसे बचा जा सकता है तो जो टी होती है वो बैक्टीरिया से फैलती है और हवा में मतलब हवा से फैलती है ये बैक्टीरिया हवा में आ जाते हैं और इनसे फैल जाती है जो मिजल्स होता है वो है वायरस से मतलब खसरा जो होता है छोटे बच्चों को जो होता है खसरा वो वायरस से फैलता है और ये हवा से फैलता है मतलब वायरस अगर हवा में आ जाते हैं जिसको बीमारी होती है अगर वो वायरस हवा में आ जाते हैं तो उससे फैलता है चिकन पॉक्स जो होता है चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलता है तो ये भी हवा और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है पोलियो जो होता है वो भी वायरस से फैलता है और ये भी एयर से या फिर गंदे पानी से फैलता है तो ऐसे में अगर ये बीमारियाँ ऐसे ये बीमारियाँ हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए कीप द पेशेंट इन कम्प्लीट आइसोलेशन क्योंकि देखो ये बीमारी हवा से फैलती हैं यहाँ पर सारी हवा ये है तो हवा में अगर कोई वायरस आ जाता है तो दूसरे आदमी को जल्दी ही रोग हो जाता है तो हमें हवा में ये वायरस आने से बचाने चाहिए अब ये कैसे बचा बचा सकते हैं जिस भी आदमी को बीमारी हो ये वाली कि चारों बीमारी में से कोई भी बीमारी हो तो उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए मतलब एक अलग कमरे में रखना चाहिए कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स जिस भी आदमी को बीमारी हो उनको घर में दूसरे आदमी हैं उनसे बिल्कुल अलग रखना चाहिए और इनकी चीज़ों को भी अलग रखना चाहिए मतलब जिनको ये यूज़ कर रहे हैं मतलब तो इनके कपड़े हैं इनके बर्तन वगैरह जो हैं इन सब को भी अलग रखना चाहिए वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज और टाइम टाइम पर उचित समय पर सही समय पर इनको टीका लगना चाहिए तो ये इनमें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं मतलब बचाव के उपाय हैं किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके बाद है कोलेरा और टाइफाइड मतलब हैजा और टाइफाइड ये बीमारियां हैं तो हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है और पानी से और गंदे खाने से फैलता है और जो टाइफाइड होता है वो भी बैक्टीरिया से फैलता है और ये भी पानी से फैलता है तो इसमें अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो क्या करना चाहिए जो बीमार आदमी है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे आदतें अपनानी चाहिए गंदगी में नहीं रहना चाहिए कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए और एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर देखिए पानी से फैलता है तो इसलिए उबला हुआ इसको पानी पीना चाहिए और टाइम पे टीका लगवाना चाहिए इंजेक्शन वगैरह टाइम पे लगवाने चाहिए अब है हेपेटाइटिस ए अगर किसी को हो जाता है तो हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है और ये गंदे पानी पीने से फैलता है तो इसमें जो पानी होता है वो उबाल कर पीना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए अब है मलेरिया मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मच्छरों से फैलता है तो जिस भी चीज़ से फैलता है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए मतलब यहाँ पर हमें मच्छरों को कंट्रोल करना पड़ेगा यूज़ मॉस्किटो नेट मतलब हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए एंड रेपलेंट्स जो मच्छर भगाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं ये रेपलेंट्स स्प्रे एंड इंसेक्टिसाइड्स जो स्प्रे होते हैं जैसे हम स्प्रे छिड़काव करते हैं मत वो दवाइयाँ वगैरह छिड़की छिड़कते हैं मच्छरों की तो वो उनका यूज़ करना चाहिए एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटोज़ बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग और हमें जो पानी होता है उसको इकट्ठा होने से बचाना चाहिए मतलब पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग हुमेंस कुछ जो कॉमन डिजीज होती हैं जिनसे लोगों को बीमारी हो जाती हैं मनुष्य को बीमारी हो जाती हैं देर मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सोन इन फ्यू इन टेबल टू पॉइंट वन तो कुछ जो बीमारी लोगों को हो जाती हैं मनुष्य को हो जाती हैं तो उनके फैलने और उनके रोकने के उपाय टेबल टू पॉइंट वन में दिए हुए हैं टेबल टू पॉइंट वन तो हमने पहले ही पढ़ ली है यहाँ से हमने देख लिया है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है और उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं तो अभी तो हमने पढ़ा है कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे मनुष्य में या ह्यूमंस में बीमारियां फैलती हैं अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे एनिमल्स में बीमारियां फैलती हैं